वेलकम टू श्रीमद होम रेमेडीज। और मैं आपको बताने वाला हूं पंचों में जो फंगस हो जाते हैं उस फंगस को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। पैरों के नाखून में फंगस या कवक, जिसे टोनल फंगस कहते हैं, तो पैरों के नाखून में फंगस या कवक लगना एक आम समस्या है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन इनका मुख्य रूप से इसका कारण जो है वो है गंदगी और साफ सफाई की कमी। जब टोनल में इंफेक्शन या फंगस हो जाता है तो ये देखने में बड़े भद्दे लगने लगते हैं। इंफेक्शन के कारण नाखून भूरे रंग का हो जाता है और नाखूनों की चमक जो है वो खत्म हो जाती है। साथ ही फंग इंफेक्शन के कारण पतले भी हो जाते हैं। ये नाखूनों का आकार जो है वो भी बिगड़ जाता है और भी ढीले हो जाते हैं। उनके किनारे हल्के हरे रंग के हो जाते हैं। टोनल फंगस के कारण में खुजली, सूजन और दर्द जैसे लक्षण हो जाते हैं। सही समय पर इलाज व देखभाल न की जाए तो ये इंफेक्शन गंभीर रूप ले सकता है। हालांकि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, ये बड़ी आसान बात है। हम आपको ही बताने वाले हैं इस वीडियो में कि इस फंगस को कैसे दूर किया जा सकता है और इससे अपने पैरों को कैसे बचाया जा सकता है। खासतौर पर मानसून में पैरों की देखभाल उतनी जरूरी है जितने शरीर के अन्य हिस्सों की, ताकि वे फंगस से दूर रहें। अभी टोनल फंगस के कारण क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमारा शरीर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी के संपर्क में आता रहता है। इनमें से कुछ तो शरीर के लिए ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इंफेक्शन के कारण बन जाते हैं। फंगस बालों, नाखूनों और त्वचा के बाहरी सतह पर रहता है। गौरतलब है कि एथलीट्स फूट, दाद, जांघों के जोड़ों के पास होने वाले इंफेक्शन को खुजाना और आंखों की पलकों पर भौं पर होने वाले डेंड्रफ को खुजाने से भी फंगल नेल इंफेक्शन फैल सकता है। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। गौरतलब है कि एथलीट्स फुट, दांत, जांघों के जोड़ों के पास होने वाले इंफेक्शन को खुजाना और आंखों की पलकों और भौहों पर होने वाले डेंड्रफ को खुजाने से भी फंगल नेल इंफेक्शन फैल सकता है। इस प्रकार के इंफेक्शन अधिकतर मध्यम वर्ग के उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। पैरों के नाखून हाथों के नाखून की तुलना में फंगल इंफेक्शन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे लोग जो स्विमिंग पूल में अधिक तैराकी करते हैं उन्हें भी इंफेक्शन होने का ज्यादा आशंका होता है। अधिक समय तक पैरों के जूते में जब बंद रहते हैं पैर, ये काफी देर तक पैरों का गीला रहना तथा त्वचा या नाखून में छोटी सी चोट भी नाखूनों के फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। अभी टोनल फंगस दूर करने के तरीके मैं आपको बता देता हूं। एंटी फंगल क्रीम का प्रयोग करें। आप इस प्रकार नाखून के लिए एंटी फंगल क्रीम की दवा जो है वो दवा की दुकान में या कॉस्मेटिक स्टोर के नेल केयर सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। फंगस को ऑक्सीजन के संपर्क से बचाकर रखें। ऐसा करने से नए नाखूनों में संक्रमण नहीं होता है और पुराना संक्रमण भी अधिक नहीं फैलता है। इसके अलावा रात को सोते समय टोनल पर वैसलीन लगाएं। ऐसा करने से कवक का जो प्रसार है, जो फंगस का प्रसार है, वो नहीं होता है। सल्फर पाउडर का प्रयोग करें। यह अधिकांश दवा की दुकानों में उपलब्ध होता है और इसके लिए पर्चे या डॉक्टर की मान्यता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह आपको बागवानी की दुकान में मिल सकता है। आप इसे फंगस वाले नाखून पर एंटी फंगल पाउडर के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। टोनल फंगस से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पीएच को संतुलित करने में मदद करता है। बेकिंग सोडा को पेस्ट बनाकर फंगल वाले नाखून पर लगाया जा सकता है या फिर जूतों में भी छिड़का जा सकता है। टोनल फंगस से राहत पाने के लिए पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इसे फंगस वाली जगह पर लगाइए। इस पेस्ट को दिन में 3 से 4 बार लगाने से फंगस में जल्द राहत मिलती है। नीम का तेल एंटी फंगल होता है। इसे फंगस वाली जगह पर लगाने से फंगस को बढ़ने से रोकता है। इसे नाखून उसके आसपास की जगह पर मालिश करें और फंगस इसे जल्दी दूर होती रहेगी। फिर नारियल का तेल त्वचा के किसी भी प्रकार की बीमारियां संक्रमण को बचाता है। इस तेल को फंगस की जगह पर लगाने से उसमें होने वाले दर्द में आराम मिलता है। साथ ही
या फंगस बढ़ने से भी रोकता है। फिर सिरके का उपयोग करें। अपने पैरों को हल्के गर्म पानी और सिरके के घोल में डालकर कुछ देर तक रखें और फिर साफ कीजिए। इससे नाखून में लगे फंगस एसिड के प्रकोप से खुद को बचा नहीं पाएंगे। फिर नाखूनों को सूखा रखें, क्योंकि गीले नाखून बैक्टीरिया और फंगस की चपेट में जल्दी आते हैं। पैरों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से तौलिए से पोंछ लें और सुखा लें। टोनल फंगस होने पर नाखून खुले सैंडल आदि पहने जिसमें से हवा आर पार हो सके। बंद जूतों से पैदा होने वाले पसीने से पैरों में बैक्टीरिया पैदा होता है। बंद या कसे हुए जूते कतई नहीं पहने। फिर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पैरों में कभी भी एक ही मोजे को हफ्ते भर ना पहने, इससे बैक्टीरिया और पसीना पैदा होता है। सफेद मोजे को ब्लीच से साफ करें और अन्य रंग के मोजे को डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ करें। रोज नए जोड़े मोजे पहने। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन जूतों को कुछ देर तक धूप में सुखा कर सुखाइए। इसमें उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवी या फंगस जो है वो नष्ट हो जाते हैं और नमी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। खास तौर पर बरसात में डायबिटिक फुट की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है और फंगस वाले जूते से संक्रमण की आशंका अधिक हो जाती है। इसलिए इस समय साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। इसके अलावा नाखून में फंगस होने पर नेल पेंट न लगाएं। नेल पेंट और रिमूवर का नाखूनों पर ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी वो खराब होने लगता है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।